आदमी को बुड़बक बनाने का वोट का एक पॉलिसी है और कुछ भी नहीं है। वोट जाएगा फिर 200 का जगह 600 रुपये बढ़ जाएगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। डोमेस्टिक पर्पज़ में अगर आप देखें तो 200 रुपया अभी जो प्राइस जो महंगाई हो रही है मार्केट पे, तो उसके हिसाब से 200 रुपया अगर एक और हम लोग कलकत्ता में 1129 रुपया में खरीदते हैं, उसके हिसाब से अगर 200 रुपया घटते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। हमको लगता है कि और कोशिश करना चाहिए, कुछ कम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी कर रहे हैं मोदी जी अच्छा ही कर रहे हैं, जो भी करेंगे उचित करेंगे। बहन बेटियों के लिए कुछ तो कम किया कम से कम, और कोशिश करें और कम होगा तो उचित होगा उनका। ये गिफ्ट कुछ नहीं है, ठीक है, ये कम किए हैं उन लोग का मतलब होगा कुछ, इसके लिए कम हुआ है। और 419 रुपये से पूरा 1100 रुपया 1200 रुपया एक आम इंसान के लिए बहुत तकलीफ वाला बात है। और भी कम होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए कम। 2015 से हम लोग ने जो देखा है, 2014 को लास्ट हम लोग ने जो गैस खरीदा था वो 420 इसी प्राइस पे आया था, उसके हिसाब से लास्ट अगर 8 or 9 ईयर्स आपने देखे तो डबल से प्राय मैंने 2.5 गुना ज़्यादा हो गया गैस का, मगर उसके हिसाब से घटा नहीं है मार्केट के हिसाब से, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उतना घटा नहीं है। अगर 760 to 700 के आसपास अगर गैस का दाम होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। आज एकदम मैं ये नहीं कहूँगा कि 420 पे आप रखना चाहिए, बिकॉज सब कुछ महंगाई हो रही है, मगर उसके हिसाब से तो किसी का सैलरी भी उतना बढ़ नहीं रहा है, तो कैसे मेकअप करे। कुछ नहीं फायदा है, जो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हुआ है 1100 रुपया ले है, हमारा गरीब लोग है इसलिए हमका तो खूब तकलीफ बढ़ा है को गरीब लोग का, तो किस लिए वो बड़ा, वो झूठा सरकार है, वो आने के लिए इंडिया को आने के लिए झूठा बात बोल रहा है, सब आदमी को झूठा देता है आसरा, ये सब आदमी को हम कुछ नहीं, ये लोग को हमारा इंडिया में नहीं आना चाहिए, धिक्कार है मोदी सरकार के लिए, धिक्कार है। नहीं नहीं ये फ़ायदा नहीं है, 200 रुपया कमा के तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहता तो बहुत कम कर सकता था, 200 रुपया कमा के हम लोग का क्या बोलेगा, ये जो आम आदमी है आम नागरिक है उन लोग का लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब झूठा है, 200 रुपया एक महीना के लिए है, फिर उसके बाद फिर राखी चला जाएगा, हम लोग का फिर दाम बढ़ जाएगा, कोई 200 रुपया कुछ नहीं है, एक महीना के लिए ये नाटक कर रहा है, ये तो हमेशा ही नाटक करता है, 15 लाख भी नहीं आया, ये मोदी सरकार है झूठा सरकार है, हम लोग को नहीं चाहिए। और कम होता तो और अच्छा है, बाल बच्चे तो सब यही रहता है। ये गिफ्ट नहीं, ये आयुवास है वोट के लिए, आदमी को बुड़बक बनाने का वोट का एक पॉलिसी है और कुछ भी नहीं है। वोट जाएगा फिर 200 का जगह 600 रुपये बढ़ जाएगा। अगर मोदी बाबू को अगर कमाना है तो अभी जो गैस का दाम है 1150 रुपये उसको 550 रुपये कर दें, ये होते हैं गिफ्ट। अगर किसी को गिफ्ट देना है तो अच्छा गिफ्ट दो, 200 रुपये वोट के लिए गिफ्ट देके क्या फ़ायदा।